शर्मा की राम राम स्टेप अप जी सर, मैं आप सभी का स्वागत है। मैं आज आया हूँ महेंद्रगढ़ हलके में, और महेंद्रगढ़ हलके में अभी यहाँ एक जो सभा चल रही है वो राव रमेश पाल्डी जी की है। तो हम इनसे जानते हैं कि भाई इस गांव में कुछ दिन पहले पूर्व शिक्षा मंत्री का विरोध हुआ था और इन सपोर्ट मिल रही है, तो इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या वजह है इस सपोर्ट के पीछे? नेताजी राम राम। राम राम भाई। सेवा तो तोल दिया, रात में भी सेव ले रहे हो, और चेहरे की चमक जो जो इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे बढ़ती जा रही है, क्या वजह है इसके पीछे? ऐसे है भाई, ये गांव के साथियों ने और मनोज के बच्चों ने जैसे सेवों से तोलने का काम किया। मैं जब गांव में जा रहा हूं तो हर गांव में आप देख रहे हो कितनी माताएं बहनें और कितने नौजवान साथी और बुजुर्ग। नेताजी गांवों की बात करें तो इस गांव ने कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री का विरोध किया था और आपने सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वजह इसके पीछे? शिक्षा मंत्री का और कांग्रेस वाले का जो क्रम है ना वो उनके सामने आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने तो जीतने के बाद किसी भी गाँव में जाकर धन्यवाद तक नहीं किया, और कांग्रेस वाला ने भी हारे पीछे 5 साल तक किसी भाई का हालचाल नहीं पूछा, ना ही इस इलाके कोई आवाज़ उठाई। हम तो 36 वर्ग की आवाज़ उठाई और इलाके की सेवा की है और हम आपके बीच में, आप देख रहे हो पिछले 15 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। मैंने हज़ारों नौजवान साथियों को यहाँ से रोज़गार दिया, मैंने हज़ारों मेरे बुज़ुर्गों की आँखें बनवाई है। मेरा बेटा डॉक्टर MS ऑर्थोपेडिक है, हज़ारों लोगों का इलाज कर चुका है, हज़ारों लोगों के प्लस्तर लगाए, हज़ारों लोगों का ऑपरेशन किया। तो हम तो भाई जनता के सेवक हैं। अगर आपने बोला कांग्रेस, बात करें कांग्रेस की, तो आज दुष्यंत चौटाला जी और अशोक तंवर एक ही साथ दिखे, उन्होंने समर्थन किया आपकी पार्टी को। मैं वही कर रहा हूँ, जो अशोक तंवर जी हैं वो कांग्रेस के कई साल तक अध्यक्ष रहे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि भाई यहाँ हरियाणा की राजनीति में दुष्यंत चौटाला से बढ़िया कोई नेता नहीं है, उसने भी कांग्रेस को छोड़ करके अब दुष्यंत चौटाला जी का समर्थन किया। ये इस बात का प्रतीक है कि दुष्यंत चौटाला का कोई मुकाबला नहीं है, आने वाली सरकार का ये आगाज़ है। लोगों की समझ में आ गया कि हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेगा। और भाई यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर मैं लोगों के बीच में कह रहा हूँ, यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो मैं लोगों के बीच में ये कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने आशीर्वाद दिया तो महेंद्रगढ़ के अंदर एक मल्टी स्पेशलिटी अच्छा हॉस्पिटल बनाने का काम करूँगा, ताकि जो गरीब आदमी हैं उनका इलाज फ्री में हो सके। जो मेरे माता बहन या नौजवान साथियों जिनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्लड बैंक भी नहीं है, तो ब्लड बैंक भी यहाँ बनाने का काम करेंगे। जनता का था प्यार है, अब की बार जनता जिताने का काम करेंगे। सर मेरा आखिरी सवाल, आज सुनने में आ रहा है कि आपके जो पार्टी सुप्रीमो है उनके पास धमकी भरा कॉल आया दुबई से, इसके पीछे क्या वजह है? क्या पार्टी जितनी मजबूत होती दिख रही है, विरोधियों का कुछ ना कुछ ही हो सकता है? नहीं, ये तो आपने बताई, मेरे को तो इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है, कहीं अखबारों में आई है। हाँ, तो हो सकता है किसी ने अगर कॉल की होगी, क्योंकि सबको एक बात तो समझ में आ गई विरोधियों का, तुम सबका पत्ता साफ हो रहा है और दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, तो हो सकता है कि किसी आदमी ने इस तरीके की हरकत की हो, लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। मैं तो अखबार भी सुबह नहीं उठ करके पढ़ पाया, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि मजबूती के पीछे ये कारण हो सकता है। नहीं, ये तो कारण ही मजबूती का, सबको ये पता है कि सबका सुपड़ा साफ करके, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में ये 65 पार वालों को 3 पे समेट दिया था, हरियाणा में भी 75 पार वालों को 5 और 7 के बीच में समेट रहा है, और हरियाणा का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बनेगा बौखलाहट में, हो सकता है किसी ने ये कार्रवाई की हो। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।